हेल्दी टेस्ट देखने वालों का तहे दिल से बहुत बहुत वेलकम। आज हम स्पेनिश ऑमलेट बनाएंगे, तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक पैन गरम कीजिए और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, आप जो भी तेल खाने में खाते हो वो इसको ले सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर इसमें कटे हुए आलू डाल दीजिए। मैंने 5 अंडे ऑमलेट बनाने के लिए लिए हैं। इसके लिए एक बड़े साइज का आलू छीलकर धुलकर और उसे स्लाइस में काट लिया है। स्लाइस ना बहुत मोटी होनी चाहिए और ना बहुत पतली होनी चाहिए। अगर मोटी होगी तो फिर वो ऑमलेट में गलेगी नहीं, अगर पतली होगी तो फिर वो जल जाएगी। अगर आप 2 या 3 अंडे का ऑमलेट बनाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप छोटे साइज का आलू लीजिएगा। आलू को तेज आँच पर 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाना है। जब 1 मिनट तक आलू पक जाए तो फिर गैस की आंच धीमी कर दीजिए और पैन का ढक्कन ढक दीजिए। धीमी आंच पर इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है। आलू को तेल में ही गलाना है, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो फिर ऑमलेट का टेस्ट खराब हो जाएगा। आलू को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन खोलकर देखते हैं कि आलू कितना गला, क्योंकि अगर लगातार हम ढककर पकाएंगे तो फिर आलू जल भी सकते हैं। अभी आलू को गलने में थोड़ा टाइम और लगेगा। देखिए अभी ये सफ़ेद सफ़ेद आलू दिखाई दे रहे हैं। अभी हमें आलू को और पकाना है, इसके लिए पैन का ढक्कन ढक दीजिए और 4 मिनट तक धीमी आंच पर इसको पकाइए। 4 मिनट हो चुके हैं, पैन का ढक्कन खोलकर देखते हैं आलू गला कि नहीं। आलू काफ़ी हद तक गला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा चला लेते हैं। अगर हम आलू को बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो फिर जब ऑमलेट में डालेंगे तो फिर आलू जल भी सकता है, तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे। अब इसमें प्याज डाल देते हैं। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पत्ता गोभी भी चॉप करके डाल सकते हैं। ये ऑमलेट बहुत टेस्टी होता है। अगर आप इसको सुबह के नाश्ते में बनाकर खाएंगे तो आपका पेट बहुत देर तक भरा रहेगा और आपको इससे ताकत भी मिलेगी, क्योंकि अंडे में बहुत सारा प्रोटीन होता है। प्याज को तेज़ आंच पर 2 मिनट तक पकाना है और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि आलू और प्याज जले नहीं। दो मिनट हो चुके हैं, प्याज ने अपना कलर बदल लिया है, लेकिन इसको अभी ढककर हमें पकाना है, तो फिर चलिए इसका ढक्कन हम ढक देते हैं और ढककर 2 से 3 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर देखते हैं। ये देखिए प्याज और आलू दोनों अच्छे से गल चुके हैं। प्याज और आलू को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए आलू और प्याज बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। आलू और प्याज को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब फिर हम इसको अंडे में डालेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, थोड़ी देर तक ये तेल में अपने आप पकता रहेगा और फिर ये ठंडा हो जाएगा। एक बड़ा बोल लीजिए और उसमें अंडों को डाल दीजिए। मैंने 5 अंडे का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा अंडे का ऑमलेट खाना है तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर आप प्याज और आलू को ज़्यादा लीजिएगा। अंडे को खूब अच्छे से फेंट लीजिए। जब ये बहुत अच्छे से फेंटेगा तभी ऑमलेट फूला फूला बनेगा। अगर आप इसमें धनिया की पत्ती, हरी मिर्च या और भी कुछ मसाला डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। अंडा फेंट चुका है, अभी मैंने नमक इसमें नहीं डाला है, नमक को हम बाद में डालेंगे। अब इसमें आलू और प्याज जो पका कर रखा था उसको डाल देते हैं। आजकल सभी लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत सारे लोग आलू नहीं खाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ आप सब्जियां डालकर भी इस ऑमलेट को बना सकते हैं।
इससे भी ऑमलेट टेस्टी बनेगा। मैंने आलू और प्याज को अंडे में डाल दिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए। अगर आप सेंधा नमक नहीं खाना चाहते तो फिर आप जो भी नमक खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से फेंट लीजिए ताकि प्याज और आलू अच्छे से मिल जाए और नमक भी इसमें अच्छे से मिल जाए। जितना ही फेंटेंगे ये आमलेट उतना ही फूला फूला बनेगा। कुछ लोग हरी मिर्च या लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप अंडा इस तरह से बनाइएगा तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। अगर आप इसको चाहें तो ढककर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। तो फिर चलिए ऑमलेट को बना लेते हैं। मैंने पैन को गर्म कर लिया है। अब इसमें जो अंडा फेटा था उसका आधा हिस्सा पैन में डाल देते हैं, आधा हम बाद में डालेंगे। मैंने जिस पैन में आलू और प्याज पकाया था उसमें थोड़ा तेल बचा हुआ था उसी का इस्तेमाल किया है। अब अंडे को बराबर कर दीजिए और फिर इसके ऊपर मक्खन डाल दीजिए। ये घर का बना हुआ सफ़ेद वाला मक्खन है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इससे अंडा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। अब इसके ऊपर मक्खन को फैला लीजिए ताकि पूरे में मक्खन अच्छे से मिल जाए। अगर आप मक्खन या चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप एक साथ पूरा अंडा डाल दीजिए। अब मैंने इसके ऊपर जो बचा हुआ अंडा था उसको डाल दिया है। इसको अच्छे से फैला लीजिए। अंडे को तेज आंच पर एक मिनट के लिए पकाना है। एक मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन ढक दीजिए और ढककर 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाइए। चार मिनट हो चुके हैं, एक तरफ से अंडा पक चुका है। अब एक प्लेट लीजिए और उसको इस तरह से रखिए, गैस की आंच को बंद कर दीजिएगा। अब अंडे को इसमें पलट लीजिए। अंडे को प्लेट में पलटते हुए अपने हाथों का ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ से अंडे का ऑमलेट पकाने के लिए उसको पैन में डाल दीजिए, गैस की आंच धीमी रहेगी। अब ढक्कन को ढक दीजिए और 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर ऑमलेट को पकाइए ताकि ये अंदर अच्छे से पक जाए। चार मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कितना अच्छा और कितना बेहतरीन ऑमलेट बनकर तैयार हुआ है। इस ऑमलेट को आप रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। अगर खाली भी खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। जैसे चाहें वैसे इस ऑमलेट को खाएं। चलिए फिर इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा स्पेनिश ऑमलेट बनकर तैयार हुआ है। आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी टेस्ट देखते रहें।